गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम स्वीट कॉर्न फ्राई बनाने वाले हैं, चटपटा, और इसको मैगी मसाला के फ्लेवर में बनाने वाले हैं। तो उसके लिए इस तरह से मैगी मसाला लिए हैं, पाउच में आता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इसको डालने से। तो इसके लिए इस तरह से एक पाउच ले लिए हैं, और ये 500 ग्राम स्वीट कॉर्न है। ये बाज़ार में इजली मिल देता है, स्वीट कॉर्न के नाम से मिलता है ये वाला भुट्टा। और 1 चम्मच पीसी लाल मिर्ची है, 1 चम्मच ये नमक है लिए हैं, और ये छोटा कटोरी में 1 कटोरी ये कॉर्न फ्लोर है, पाउडर है, और ये नींबू का रस लिए हैं, नींबू है ये, और 2 हरी मिर्ची है काट के लिए हैं, थोड़ा से धनिया पत्ती को काट के ले लिए हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये पानी ले लिए हैं एक कढ़ाई में, इसको पानी को उबलने देते हैं। इस तरह से देखिए पानी में उबाल आ गया है, तो ये स्वीट कॉर्न को डाल देते हैं, और इसको इसको थोड़ा से करीब 5 मिनट उबाल लेते हैं। तरह से देखिए ये उबल गया है, 5 मिनट इसको तेज़ आंच में उबाल लिए हैं। अब इसको इस तरह से एक छन्नी में निकाल लेते हैं। ये देखिए स्वीट कॉर्न को थोड़ा देर इसको ठंडा कर लिए हैं। अब इसमें मसाला डालते हैं, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सी ये लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर को डालना है। इसके बाद ये नमक डालना है, नमक को एकदम ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ा मीठा है, और इसको मिला लेना है अच्छी तरह से। और इसके बाद में फिर ये कॉर्न फ्लोर का पाउडर है, ये कॉर्न फ्लोर है, इसको भी मिला लेना है। और इसके बाद इसको और अच्छे से चटपटा और इसके स्वाद को अलग करने के लिए ये मैगी मसाला है, इसको इसी में मिला लेना है। इस तरह से इसका ये पैकेट आता है, और इसको इस तरह से इसको मिला लेना है। इसको सिर्फ थोड़ा से हल्का से स्वाद के लिए डालना है, 1 चम्मच ही डालना है ये, तो इसको बहुत अच्छा स्वाद आता है इसको डालने से। और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। इस तरह से देखिए इसको अच्छी तरह से इसमें कोटिंग कर लिए हैं, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से देखिए एक कढ़ाई में तेल ले लिए हैं, तेल को गरम कर लिए हैं, और इसको एकदम हाई फ्लेम अभी शुरू में नहीं करना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा फ्राई करने के लिए डालना है। तो ये थोड़ा पानी वाला है, उबला हुआ है, इसलिए थोड़ा से चट चट की आवाज़ कर रहा है। शुरू में इसके फ्लेम को कम करना है। ये खराब है। इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम में थोड़ा देर पकाने के बाद इसको थोड़ा से हाई फ्लेम कर लेना है, लेकिन शुरू में इसका फ्लेम को मीडियम ही रखना है, नहीं तो फिर ये उबला हुआ है तो थोड़ा से चट चट की आवाज़ें आती है इसमें। उसके बाद थोड़ा हाई फ्लेम करके पकाना है इसको, इसको हाई फ्लेम करके इसको और अभी हमको पकाना है 4-5 मिनट। इस तरह से इसको देखिए 5 मिनट फिर इसका आँच को तेज कर दिए थे, उसके बाद फिर धीमा आँच करके पकाए हैं, तो ये पूरी तरह से क्रिस्प बन गया है। इसको डालने के टाइम धीमा आंच करें ताकि ये फट फट की आवाज़ करके तेल ना उछले बाहर में, और यदि फिर भी फूट जाता है तो इसके ऊपर थाली या ढक्कन लगा दें थोड़ा देर के लिए, उसके बाद फिर आंच को तेज करना चाहिए। तो इस तरह से छान के ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है ये। इसको एक अलग जगह में निकाल लेते हैं। अब दूसरा बेच डाल देती हूँ।
शुरू में इसका आंच को धीमा ही रखना है। इस तरह से देखिए ये हमारा कुरकुरा स्वीट कॉर्न बन के तैयार हो गया है। इसको मैगी मसाला डाले हैं तो बहुत ही बढ़िया चटपटा है, और इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप चाहे तो, और यदि आपकी इच्छा होगा तो थोड़ा से हरा मिर्ची से भी इसको थोड़ा इसमें डाल देंगे तो और चटपटा हो जाएगा। थोड़ा हरा मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा से इसमें धनिया पत्ती से इसको गार्निशिंग कर लेंगे, और थोड़ा से दो चार बूंदे नींबू का रस डाल देंगे, फिर इसको मिला लेंगे। इस तरह से इसको मिला लिए हैं, ये देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको आप भी बना के ट्राई करें, यदि ये पसंद आ गया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।